राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा के धीरपुर गांव के पास खाली पड़े ग्राउंड में शुक्रवार रात के समय में गोकशी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों को ग्राउंड से आवाजें आई, जिसके बाद कुछ लोग वहां पहुंचे तो पाया कि गायों को काटा जा रहा है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना अतिमारपुर की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में गौ सेवकों की क्या प्रतिक्रिया है। जय श्री राम साथियों, मैं सुमित यादव, भाजपा धीरपुर मंडल का पूर्व अध्यक्ष। निरंकारी कॉलोनी के पास जो खाली ग्राउंड पड़ा है, वहाँ पे गौ माता के कटे हुए अंश मिले हैं। एक गौ माता कटी हुई भी वहाँ मिली है। इस घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। और दिल्ली के अंदर गोपालपुर में गुचड़खाना चल रहा है नाक के नीचे, प्रशासन के किसी को पता नहीं है। वो मटन के अंदर ये पीस मिला मिला के आगे देते हैं और कई सालों से ये काम कर रहे हैं, तो इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जल्द ही जितने गैर कानूनी ये गुचड़खाने दिल्ली में चल रहे हैं तुरंत बंद हो, क्योंकि हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुँचाई जा रही है। और हमारे हिंदुओं की आवाज़ जितनी दबाने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है, मैं निवेदन करता हूं सभी अधिकारियों से, अपनी नींद से जागें और हिंदू धर्म की गौ माता की जो रक्षा कर सकते हैं वो करें। जय श्री राम। भारतवर्ष में जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिन गौ माता को देवी माना जाता है, जिनको माँ माना जाता है, गावो विश्वस्य मातरः, आज उन्हीं गौ माता की बात करेंगे। जिन गौ माता के मलमूत्र में, गोबर में लक्ष्मी सरस्वती का वास होता है, जिन गौ माता के कृष्ण प्यारे हैं और कृष्ण को गौ माता प्यारी है, भागवत में कहते हैं, गावों में अग्रत संतु, गावों में संतु पृष्ठत, गावों में हृदय संतु गवाम मध्य वसामयम। जिन गौ माता के आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, इधर कृष्ण उधर कृष्ण, मध्य में कृष्ण, आज उन्हीं गौ माता की हम बात करेंगे। एक घटना है धीरपुर निरंकारी कॉलोनी की, काली मिट्टी की, जहां पर दो गौ माता की हत्या कर दी गई। हम गौ भक्त होकर, हमारे हृदय को एक ठेस पहुंची कि हम गौ भक्त होकर, कृष्ण भक्त होकर गौ माता की रक्षा ना कर सके। अरे जिन गौ माता के दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता हो, उन गौ माता की रक्षा ना कर सके। जो हिंदुत्व गौ माता के वजह से जाना जाता हो, आज वो हिंदुत्व का फर्ज नहीं बनता कि गौ माता का रक्षण कर सके, संरक्षण कर सके, संवर्धन कर सके। मैं तो इतना तक कहना चाहूंगा दिल्ली सरकार से कि आपको पता है काउ स्लॉटर मस्ट बैन इन दिल्ली, नॉट ऑल्सो इन दिल्ली, इन 27 स्टेट काउ स्लॉटर, बफेलो स्लॉटर हाउसेज वर टोटली बैंड, बट आफ्टर दैट केसेस आर कम टूगेदर। ये केस हमारे सामने आ गए और हमें दुख तो इस बात का होता है हमारे क्षेत्र में ऐसा होता है। अभी कुछ दिनों पहले 5 गौ माता और मार दी गई थी और आज 2 गौ माता का और कत्ल कर दिया। स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने 1962 में कहा था कि काउ एग्रीटेशन मूवमेंट होगा, चाहे कितने साधु चले जाएं। 1962 में उन्होंने आंदोलन किया, कहीं साधुओं की हत्या भी की गई सरकार द्वारा, मगर साधुओं ने कहा अगर देश में गौ माता है तो देश है, और अगर देश में गौ माता नहीं तो देश नहीं। पात्री जी महाराज के नक्शे कदम पर चलकर सौगंध है हमें गैया मैया की, अगर आंदोलन तक करना पड़ा, गौ माता के लिए कहीं भी जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, हम करेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम गौ माता का रक्षण करने के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर देंगे। मैं कृष्ण भगवान से विनती करूंगा, भक्ति का भाव मांगूंगा कि अगर किसी गौ माता की हत्या कोई दुष्ट अत्याचारी अत्यापापी करता है तो भगवान उसे ऐसा दंड दे, ऐसा दंड दे, उसकी रूह तक कांप जाए कि गौ हत्या जैसा अपराध वो जिंदगी में भूल कर ना करे। खुद बचपन से गौ माता की सेवा में हूँ, 16 साल की उम्र में गौ माता के लिए आंदोलन किए, गुड़ सेवा, रोटी सेवा, हरे चारे की सेवा, ग्रास सेवा, ये सेवाएं की, वल्लभ गौशाला, समर्पण गौशाला, पतमेड़ा गौशाला और तुलसी तपोवन गौशाला जैसी गौशालाओं में सेवा भाव रखा, अपने हृदय को गौ माता के चरणों में रखा कि गौ माता बच सके। क्यों? क्योंकि गाय है तो हम हैं, क्योंकि
जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, और अगर ये गाय ही नहीं रहेगी तो ये देश भी नहीं रहेगा, ये देश भी नहीं रहेगा। जय गौ माता, जय गोपाल, राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा एवं संस्थापक स्वेच्छादान फाउंडेशन, बड़े ही दुखी आहत हूँ कि आदर्श नगर विधानसभा, अगर आप मुखर्जी नगर बांध से गांधी विहार की ओर जाएंगे तो बीच में एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में बीते रात कुछ हत्यारों ने, गौ हत्यारों ने गाय, कई सारे गाय को काट डाला। कुछ लोग, हमारे परिचित लोग जा रहे थे, उन्होंने शोर मचाया, पुलिस आई, कुछ को पकड़ा भी गया, और पता चला है कि गोपालपुर में जो बूचड़खाना है उसमें जो बकरे का मांस होता है उसमें मिला के वो ये धंधा रेगुलर करता है। ये हिंदुओं के आस्था को किस तरह से चोट पहुंचा रहा है। अतः हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में जितने भी अनऑथराइज, रिहायशी इलाके में जितने भी बूचड़खाने, वो सब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का मकसद ये हिंदू विरोधी आस्था को तोड़ना, हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का जो ये लोग साजिश रच रहा है उसका घोर हम विरोध करते हैं, और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारे बूचड़खाना बंद कराए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन रोड पे उतर आएंगे अगर ये बूचड़खाना जल्द से जल्द बंद नहीं हुआ तो। धन्यवाद।